मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आप राजभर जी के साथ इनके गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? मैंने तब भी मैंने तब भी कहा था आपसे, इधर उधर मत जाइए। अगर आपकी डिमांड बीजेपी पूरी नहीं करती है तो क्या आप इनके गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? मैंने आपसे कहा था कि मेरे समाज के लोग जब गुस्से में आए थे तो अंग्रेज और मुगल दोनों खत्म हो गए, गुस्से में आए कांग्रेस खत्म हो गई, गुस्से में आए सपा बसपा खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं इनके हिस्से नहीं मिलेंगे तो हमारा समाज वैसे दूर हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। हम कहते हैं मुद्दे हल करना, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उस पर भी जरा आ जाइए। ये कह रहे हैं कि वो मुद्दे पूरे नहीं करेंगे, मेरी तरफ आ जाइए। बहुत कठिन नहीं है, उत्तराखंड में अभी भारतीय जनता पार्टी में लिख के दे रखा है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, एक सूची बना दिया कि उसमें कस ये कुम्हार प्रजापति हैं। उत्तर प्रदेश में लिख के देना है मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्ला उसके राष्ट्रपति ने लिख रखा है। जब राष्ट्रपति ने लिख रखा तो कौन कोर्ट उसे रोकेगा? लेकिन जो अनुसूचित जाति की सूची में पहले लाभ ले चुके हैं वो समाज कल्याण विभाग में मंत्रालय में 90% वो भरे हुए हैं, एक लेखुना लगाते हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है। मैं जिद इसलिए ताला हूं, इस बार ऐसा शासनादेश होना चाहिए कि एक तो मेरा पिछड़ी से नाम निकलना चाहिए और अनुसूचित जात का हमारा सर्टिफिकेट इश्यू होना मान चाहिए। मान रही है बीजेपी, नहीं मान रही आपकी बात। मैं कहता हूँ बीजेपी अब काम शुरू हो रहा है, कोई जरूरी है? 6 महीना बाकी है चुनाव में, बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। मैं कहता हूँ सवर्ण का आरक्षण कई घंटे में हुआ था, 6 महीना तो लगा नहीं था, 72 घंटे में हुआ था। लेटर जारी करना, शासन बहुत कुछ कर सकती है, काम हो रहा, समय आने दीजिए, दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा समाज हमारा निर्णय लेगा। क्या निर्णय लेगा? निश्चित रूप से मेरा समाज निर्णय लिया, पार्टी बनाए अपने हाथ। फिर अपने लोग आपको पलटू राम नहीं कहेंगे? कभी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी अपने के साथ मुद्दे चले के हल करने, फिर कहेंगे कि नहीं आ रहे तो किसी। मैं कहता हूँ बहन जी भी अपने मुद्दे के हल के लिए कांग्रेस के साथ गई थी, भाजपा के साथ गई थी। हम कहते हैं हम अपने समाज के मुद्दे के हल करने के लिए अगर जरूरत हुआ तो हम जो है ट्रंप के साथ भी बैठेंगे, लेकिन अपने समाज के मुद्दे हल के लिए हम खड़े रहेंगे और साथ में रहेंगे, इसके लिए काम हम करेंगे। ट्रंप की सरकार जा चुकी है, हमारे हमारे मैं कहता हूँ आज के दिन में सामाजिक मुद्दा हमारा एक नंबर पर है, चाहे वो हमारा आरक्षण हो, चाहे मुकदमे वापसी के हो, तालघाट रोजी रोटी का है। लेकिन लग नहीं रहा है बीजेपी आपकी बात मान रही है। नहीं मानेगी तो रट के आए हुए हैं ना जो बता रहे हैं, लग नहीं रहा है बीजेपी। मैं कहता हूँ अगर लगता है उसको कि करने से हमें फायदा तो करेगी, और नहीं करेगी तो उसको पता होगा ना 2018 में गोरखपुर फूलपुर कैराना नूरपुर चुनाव हुआ था जब उनसे अनुसार अलग हो गया था। हम कहते हैं इसी आरक्षण के मुद्दे पर तो सपा चली गई, बसपा चली गई, कांग्रेस चली गई। ये आरक्षण का मुद्दा इनका कोई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि भाजपा ने खुद कह रखा है, इसलिए हमारा कोई उसमें नहीं है। वादा उन्होंने किया, करना उन्हें है, हम तो खाली इसलिए खड़े हैं कि जब वो कहा है तो। अच्छा, आप अपने लिए क्या कुर्सी मांगे हैं? डिप्टी सीएम बना दिया जाए? मैंने कोई कुर्सी मैंने यही मांगा है मीटिंग में, तो आपने यही कहा है। मैंने भारतीय जनता राज्यसभा के लिए मांगा है, भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं कहा, जो आप कहो कहे वो कर दो। इतने मासूमियत से तो आप नहीं कह के आए हैं। अभी 2 दिन पहले मैं आपका एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें आपने बयान दिया है कि नहीं नहीं राज्यसभा का प्रॉमिस किया है और हम डिप्टी सीएम के लिए बोल रहे हैं। डिप्टी सीएम तो हमारे समाज के लोग तो हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाए पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि दलित समाज जो है दलदल में था और वो उसका दलित समाज दलदल में था, 100 गुना कमजोर था, टोपी झंडा इकट्ठा कर लिया। आपके कितने सांसद और विधायक हैं? मैं कहता हूँ अभी कुछ नहीं है, हो जाएंगे। आप आइए ना आंकड़ों पर देखिए, धरातल पे रह के बात करें, धरातल पे रह के बात करें, आपके कितने सांसद और विधायक हैं? हम कहते हैं अभी कुछ नहीं हमारे पास। कितने आंकड़ा दीजिए ना सर। हम कहते हैं अब 403 सीटें हैं तो पूछना पड़ेगा। 7 साल में क्या कहे, जो 70 साल से हम 7 साल से हैं, कितने हैं आंकड़े, कितने? एक एक हम कहते हैं अभी तो एक मेरा विधायक है, एक सांसद मेरा है, दो लोग। हम कहते हैं आवाज टूट रही है। आप सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएं दो लोगों के हिसाब से? हम मुख्यमंत्री वो पहले था, नहीं बन सकते हैं। पहले कैसे बन सकते हैं? कैसे एक एमएलए झारखंड में सीएम बना है, एक एमएलए पहले पास है। पहले सुन लीजिए, ये आपको मुख्यमंत्री बना ही लेना चाहते हैं, यही से ऐलान कर लीजिए। पहले बीजेपी आपकी नहीं सुन रही है, ये कहते हैं देखिए वोट से, वोट जो होता है वोट से सत्ता आती है। अरे हमारा 18 जोड़ लीजिए, 18% वोट मेरे पास है, 4 दे रहे हैं आपको, 18% वोट है, 160 सीटें हैं, 70 सीटें अभी तो 7 साल हुआ है ना, अभी देखिएगा आखिर जो 70 साल से राजनीति कर रहे हैं, आखिर हमारे खड़ा होने के बाद आखिर कांग्रेस कहाँ चली गई? मेरे खड़ा होने के बाद 30 साल से सपा बसपा कहाँ चली गई? विचारधारा होती है कि हम इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो एक विचारधारा फॉलो करें या समाज को आगे ले जाने के लिए। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं जो हमारी मांग पूरी करेगी हम तो उसी के साथ। निश्चित रूप से
कोई किसी न किसी मुद्दे के हल के लिए पार्टी बनती है। ये समाज इस देश को आजाद कराया है, संविधान में इनका सुरक्षा लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि दलित के बेटे को कोई रे बोलेगा तो जेल चला जाएगा, उसको संविधान से सुरक्षा मिलती, नेता नहीं सुरक्षा करता। उसी में लिखा हुआ केवट मल्ला मझवार है, उसके भी बेटे को बेटी की सुरक्षा मिलेगा। मैं नेता की जरूरत नहीं है, मैं संविधान से सुरक्षा चाहता हूँ। पूरे समाज की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं पूरे समाज की बात करता हूँ। पूरे समाज मतलब पूरे समाज, मतलब संपूर्ण उत्तर प्रदेश। हम कहते हैं चलिए ठीक है।